इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम लोग फॉर लूप और वाइल लूप को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है वाइल लूप। तो पहले तो हम लोग सेंटेक्स अगर याद करें तो फॉर लूप का कुछ इस तरीके से हम लोग कमेंट डाल दिया ना, हाँ कमेंट ही डाला है जिससे कि यहाँ पे हम देख सके फॉर लूप का सेंटेक्स क्या था। फॉर लूप हम लोग लिखते थे, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होता था, उसके बाद कंडीशंस होती थी, देन उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम लोग यूज करते थे, और इसमें इसके स्टेप्स भी हम लोगों ने देखा था। इसलिए हमारा बॉडी पार्ट होता था बॉडी पार्ट ऑफ द लूप जिसको हम रिपीट कराना चाहते हैं, विच वी वॉन्ट टू रिपीट, इसी को हम इसके अंदर रखते थे। और बाकी हमारा ये लूप यहाँ पे क्लोज हो जाता था। अब हम इसमें अगर व्हाइल लूप की बात करें तो व्हाइल लूप में हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगा। व्हाइल लूप में यहाँ पे इसमें इनिशियलाइजेशन रहेगा, इनिशियलाइजेशन के बाद हमारे पास व्हाइल रहेगा, यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस रहेगी, कंडीशंस के बाद यहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट हो जाएगा बॉडी पार्ट ऑफ द लूप विच वी वॉन्ट टू रिपीट, सेम वैसे ही रहेगा। अब इसी में हमारे पास इंक्रीमेंट भी रहेगा और डिक्रीमेंट भी रहेगा, और देन हमारा कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। तो कुछ ये तो हमारा रहेगा सेंटेक्स। अगर हम एग्जांपल की बात करें, 10 नंबर अगर हमें डिस्प्ले कराना होता था तो फॉर लूप में तो हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे फॉर लिखते थे ब्रैकेट में, आई एक वेरिएबल होता था, इसमें हम वन से इनिशियलाइज करते थे और आई को एक कंडीशन तक टर्मिनेट कराते थे कि 10 तक जाना है तो 1 से लेके 10 तक कुछ इस तरीके से, और आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाता था। और इसी के अंदर हम क्या करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कुछ भी हम यहाँ पे अलर्ट समथिंग लगा सकते हैं जो हमारा क्या करेगा 1 से लेकर के 10 तक के लिए काम करेगा। अगर यही हम व्हाइल लूप से करेंगे तो क्या होगा, इसमें स्टेप्स हमारा क्या होता था, पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, कंडीशन के बाद बॉडी पार्ट होता था, देन इंक्रीमेंट होता था। तो सिमिलर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन बॉडी पार्ट, देन इंक्रीमेंट, अगेन ये कंडीशन पे आएगा। अगर हमारे पास कंडीशंस अगर ट्रू है तो फिर से अंदर आएगा, फिर से बॉडी पार्ट के बाद इंक्रीमेंट, फिर से जाएगा ऊपर कंडीशन, कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही बाहर आएगा। तो हम यहाँ पे एक व्हाइल का हम यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, अगर हमें 1 से लेकर के 10 तक का नंबर प्रिंट कराना है तो आई इक्वल टू 1, और हमने यहाँ पे व्हाइल लिखा, व्हाइल हमारा एक कीवर्ड है, जैसे फॉर लिखते थे वहां पे वैसे व्हाइल भी फिक्स है। और हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10, और फिर से हमने इसमें क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, आई की वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कराया। और हमने लिखा है, क्यों लिखा सर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लिखते थे या राइट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हम लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी भी लिख सकते हैं। अगर हमें राइट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रीवियस डिजाइन गायब हो जाएगी, प्रीवियस डिजाइन ऑटोमेटिकली गायब, हाँ प्रीवियस डिजाइन गायब हो जाएगी। हाँ जैसे हमने यहाँ पे वाइल हेडिंग दिया है, बटन लगाया है, तो ये क्या करेगा, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये 1 से लेके 10 तक दिखाएगा डेटा, बाकी हमारा ये डिजाइन ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा। एक बार करके देखेंगे, हाँ, इतना ही बिल्कुल करके बिल्कुल करके देखेंगे। यहाँ से इसको रन करके अगर हम चेक करना चाहें, इसको रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम क्या दिया है, टेस्ट व्हाइल लूप, और इसी फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे टेस्ट व्हाइल लूप लिखा है तो टेस्ट व्हाइल लूप ही रहेगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं सेव करके यहाँ पे, और जैसे हम व्हाइल टेस्ट लूप पे क्लिक करते हैं नहीं करेगा, कुछ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो, सर स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसको फिर से सेव करके इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक था, अभी भी नहीं आ रहा है, चेक करते हैं।
जो फॉर्मूला डाला पहले कंसोल में लगा, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है नहीं कर रहा। इनपुट टाइप हमने बटन दिया है, बटन में हमने फंक्शंस का नाम यहाँ पे देखिए हमें गलत हो गया है, फंक्शन की कॉलिंग गलत हो गई है, तो इसको हमें कंट्रोल एक्स करना है। यहाँ पे हमने लिखा था बटन का नाम गेट सीरीज और इसमें हमें लिखना था ऑन क्लिक इज इक्वल टू और ये फंक्शंस को कॉल करना था और हमने कॉलिंग गेट सीरीज की जगह हमने यहाँ पे फंक्शंस का बटन का नाम लिखना था बट हमने फंक्शन का कॉलिंग लिख दिया था, नाम ही नहीं लिखा। हाँ मतलब हमने फंक्शन का कॉलिंग पार्ट हमने नहीं दिया था तो हमारा फंक्शन कॉल ही नहीं हो रहा था, फंक्शन हमारा कॉल ही नहीं हो रहा था, फंक्शंस का नेम मिसिंग था। तो यहाँ पे ये देखे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि पुरानी डिजाइन डिसअपीयर हो जाएगी, और ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक स्पैन लगा करके भी हम डिस्प्ले करा सकते थे कि हमें H1 के नीचे एक अगर हमें कोई डाटा अगर दिखाना है तो यहीं पे हम आईडी लगा लेंगे, आईडी में हमने दे दिया सीरीज समथिंग और यहाँ पे हमने स्पैन को क्लोज कर दिया और हमने इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे हमें क्या करना है कि इनर HTML का यूज करना है और इसमें हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी में हमने क्या लिया था, सीरीज लिया था स्पैन की और यहाँ पे फिर हम क्या यूज करेंगे इनर HTML। तो ये क्या करेगा कि आपकी पुरानी डिजाइन गायब नहीं होने देगा, पुरानी डिजाइन हमारा एज इट इज रहेगा। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे रिफ्रेश मारा और गेट सीरीज पे क्लिक किया तो ये हमारी सीरीज भी आ जाएगी और ये पुरानी डिजाइन भी नहीं होगी। ये देखिए जितनी बार हम क्लिक करें बार बार ये क्या हो रहा है, उसी में रिपीट कर रहा है। अगर हम इसको चाहते हैं कि एक ही बार आए तो इसको हम यहाँ से एक बार इनिशियलाइज कर देंगे। इनिशियलाइज करने का मतलब है कि इसको हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, इसको टू ब्लैंक कर देंगे। तो अब रिफ्रेश हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, आप गेट सीरीज पे करेंगे। अच्छा इसमें हमने क्या किया है, अच्छा ये हमने लूप के बाहर करना होता है और हमने क्या कर दिया, लूप के अंदर कर दिया था, मतलब फंक्शन के स्टार्टिंग में करना होता है लूप के बाहर, ठीक है। बाकी बी आर करना था तो आप यहाँ पे प्लस लगा करके जैसे हमने फॉर लूप में किया था वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी आर अगर हमें न्यू लाइन के साथ चाहिए तो हम यहीं पे न्यू लाइन भी कर देंगे तो इधर आ जाएगा आपका। ये गेट सीरीज 1 से 10 की कैसे आई है सर, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है इनिशियलाइजेशन 1 से स्टार्ट किया है और कंडीशन हमने 10 पे टर्मिनेट किया है और आई को एक एक इंक्रीमेंट किया है। जैसे हमने फॉर लूप में कर रहे थे ना, इनिशियलाइजेशन 1 से करते हैं कंडीशन 10 तक जाएगा। स्टेप्स जैसे यहाँ पे देखिए, पहले इनिशियलाइजेशन, तो पहले इनिशियलाइजेशन हो गया, देन कंडीशन हो जाएगा, उसके बाद फिर बॉडी पार्ट होता है। तो फॉर में क्या होता था, कंडीशन ट्रू होने पे बॉडी पार्ट में आता था, तो इसमें भी कंडीशन ट्रू होने पे ये बॉडी पार्ट में आएगा, तो ये बॉडी पार्ट को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे बॉडी पार्ट कंप्लीट करने के बाद लूप में हमारे पास क्या होता था, इंक्रीमेंट में जाता था फॉर लूप, एक वैल्यू बढ़ के जाएगी जो भी। तो फिर ऐसे ही बॉडी पार्ट कंप्लीट करने के बाद फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर से कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो अगेन रिपीट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, अगेन कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से रिपीट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहीं से क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, रुक जाएगा भाई। हाँ यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर लूप व्हाइल लूप को कंपेयर करेंगे तो आपको सिमिलर ही मिलेगा, बट किसी किसी केस में हम लोग देखेंगे कि व्हाइल लूप ही प्रीफर किया जाता है फॉर लूप के कंपेरिजन में, जहां पे हमारे पास इस इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पे हम फॉर लूप की जगह पे हम व्हाइल लूप प्रीफर करेंगे। तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक व्हाइल लूप के साथ जहाँ पे इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑप्शनल होता है, ठीक है। वहां पे फॉर लूप आपको सुटेबल नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं आप व्हाइल ही रहेगा तो बेटर लगेगा, तो उस केस में हम व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है।